देखिए, इस समय जो पावन पर्व आया है रमज़ान का, हमने सारे इनके धर्मगुरुओं की और जितने जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग सब निरंतर संपर्क में भी हैं लोग, क्योंकि इनकी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये कोविड के सिम्टम्स आए थे, पेशेंट्स हुए थे, इनकी सबकी बैठकें ली थी DIG साहब. हम लोगों ने यही समझाया था, इस समय सर्वोपरि है कि कोरोना वायरस से के को दूर करने के लिए चीज़ें ठीक हुई हैं. चंदननगर में बहुत शांति हुई है कोरोना के पंडुब से. नयापुरा, रानीपुरा, दौलतगंज, हाथीपाला, ये क्षेत्र बहुत ठीक हुआ है कोरोना के हिसाब से. लगभग 90% से ऊपर ठीक हो गए हैं शहरी ये क्षेत्र जो है. खजराना भी हमारा 80% तो हो गया है. खजराना में थोड़ा बहुत 15-20% कुछ केसेस आ रहे हैं या कुछ कुछ अंदर से, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हम लोगों को. तो कोरोना वायरस के दृष्टिकोण से काफ़ी ये सुधर गए हैं. इनको समझाया हम लोगों ने यही है कि अपने को मेनली कोरोना वायरस से फाइट करना है. इस समय सर्वोपरि है कोरोना वायरस, उसको दूर करें. और कोरोना वायरस दूर करने के लिए जो भी रमज़ान के दौरान मूवमेंट होते हैं बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे. नमाज़ के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं वो एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति स्थायी और स्थायी तौर पे धर्मस्थल के अंदर रह रहे हैं वही रहेंगे. और उन्हीं जो उनको दैनंदिनी अपने नित्य रूप से जो उनको पूजा अर्चना या जो भी धार्मिक क्रिया करनी है वही कर सकेंगे. उसमें बाहर से अंदर जा कर के कोई धार्मिक कार्य करना या अंदर से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया था. कुछ सामग्रियों को वितरण को लेके थी वो भी स्पष्ट कर दिया था. जो 15 आइटम है हमारे, हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैकएंड पे उसमें व्यवस्थाएं लगती हैं. और दूसरा, हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हों, ज़्यादा सड़कों में निकलें, घर पे रहें. क्योंकि तो सुधार जो शहर में हो रहा है इसका प्रमुख कारण लॉकडाउन ही है कि उससे नहीं फैल रहा है. और जहाँ 28 तारीख तक जो लोग वायरस लेके बैठे थे अपने घरों में वही चीज़ें बस आ रही हैं अभी. तो लॉकडाउन से फ़ायदा हो रहा है शहर को, उसके बारे में समझाया. और अन्य तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा. कोई भी अभी रमज़ान की वजह से, मैंने क्लियर कर दिया है सभी को, रमज़ान की वजह से कोई भी विशेष नहीं. जो लॉकडाउन है, जो सख्ती है, जो कर्फ्यू है, जैसे धर्मस्थल बंद रहेंगे वैसे ही रहेंगे. कोई अतिरिक्त सामान हम लोग इसके लिए नहीं देंगे क्योंकि अन्य भी धर्मों के सभी जो बीच में त्यौहार आए हैं सभी भी ये निर्देशों का पालन किया है और समान रूप से सबका पालन हो रहा है. सभी धर्मों के लिए इस समय समान रूप से पालन इसलिए कराया जा रहा है कि सर्वोपरि ये कोरोना वायरस से दूर करना. किसी प्रकार की रियायत के बाद जो कमर्शियल कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ है उसमें अगर अपन सोचेंगे कोई शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की कोई दुकानें खुल जाएंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी. यहाँ कर्फ्यू लगा रखा है. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन है एंड ऑफ द डे वो लोकल टीम से, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर से गवर्न होती हैं. फिर अगर हमको लगता है कि यहाँ उचित नहीं खोलना तो हम लोग नहीं खोलेंगे. और हम लोगों का मानना है कि अभी जो फ़ायदा हो रहा है शहर को खोल देने से उसमें नुकसान होगा. आज अगर शहर खुल जाता है तो जो स्थिति मैंने 29 तारीख की रात या 1 अप्रैल में देखी थी वो होने में 5 दिन लगेंगे. इसलिए वो बिल्कुल नहीं खुलेंगी वो. और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा. कहीं कोई संशोधन, रियायत, कोई बात नहीं है किसी मामले को लेकर. एक